देख बिना पे। डाउनलोड तक ऐप। नमस्कार, मैं हूं आचार्य भूषण कौशल। एस्ट्रो तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर एग्जाम, हर परीक्षा में 100% कामयाबी के लिए, 100% सफलता के लिए आज बता रहा हूं अनोखा उपाय। जो कर लेगा उसके नंबर अच्छे आ जाएंगे, कोई भी परीक्षा हो। नोट कर लीजिए, एकदम नया उपाय है, नए तरीके से बता रहा हूं। और बेड़ा पार करेंगे राम भक्त हनुमान जी। तो क्या करना होगा? सबसे पहले आपको जो है ये परीक्षा से पहले 11 मंगलवार करना है ये उपाय। 11 मंगलवार क्या करना है? इसको जब भी शुरू करेंगे शुक्ल पक्ष से शुरू करेंगे, यानी आज रविवार है, अब अगला मंगलवार आ रहा है शुक्ल पक्ष, पौष महीने का शुक्ल पक्ष, तो आप शुरू कर सकते हैं मंगलवार से, नहीं तो अगले मंगलवार से कर सकते हैं। 11 मंगलवार करना है क्योंकि फरवरी में बोर्ड के एग्जाम भी आ रहे हैं, 10वीं 12वीं के, उसके आगे फिर कॉलेज के एग्जाम है, उसके बाद मेडिकल का कंपटीशन है, इंजीनियरिंग के कंपटीशन है, नेट का है, बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं। इसलिए मैं उपाय, अनोखा उपाय, अनुभूत उपाय बता रहा हूं कैसे क्या क्या करना है। आपने क्या करना है कि मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाना है और अगर आपको तुलसी की माला मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो रुद्राक्ष की माला मिल जाए तो अच्छा है। हनुमान मंदिर में बैठ करके आपको दो मंत्र बता रहा हूँ, एक तो बहुत ही हल्का साधारण मंत्र है जिसे कोई भी कर सकता है, एक थोड़ा भारी है, दोनों में से जो आपको ठीक लगे। सबसे सरल मंत्र है, वहाँ एक माला का जाप करना 108 बार, राम दूताय हनुमते नमः, ओम राम दूताय हनुमते नमः, ओम राम दूताय हनुमते नमः, ओम राम दूताय हनुमते नमः। मंत्र ना भी आए ना, रुद्राक्ष माला हनुमान जी हनुमान जी हनुमान जी कर दीजिए तो भी हो जाएगी। और दूसरा जो मंत्र थोड़ा भारी मंत्र है, उसको आंख बंद करके ऐसे करके आपने करना है, ओम बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरे पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरु क्लेश विकार। इस मंत्र का जाप कर लीजिए। जय हनुमान जी, जय बजरंग बली, बेड़ा पार करो, बेड़ा पार करो, हनुमान जी बेड़ा पार करेंगे। जो दुखी इंसान है, जो मुश्किल में है, परेशान है, उसका बेड़ा पार तो बजरंग बली ही करते हैं। बजरंग बली को खासकर रामचंद्र जी ने पृथ्वी पे छोड़ा हुआ है कि मानवता के कल्याण के लिए, इंसान की मुश्किलों को निकालने के लिए आप सबका भला करो। तो 11 मंगलवार ये जाप करना है और हनुमान मंदिर में जब भी जाएंगे गुड़ और चने, भुने हुए चने, इसका प्रसाद चढ़ा करके पहले बांटना है फिर खाना है। प्रसाद जरूर चढ़ाएं, गुड़ और चने का, भुने हुए चने और गुड़ प्रसाद चढ़ा करके और लोगों को बांटिए और खुद भी खाइए। और जब 11 मंगलवार हो जाएं तो 11 मंगलवार 11वें मंगलवार को हनुमान जी के मूर्ति के बाएं पैर का सिंदूर लेकर, कौन सा? बाएं पैर का, लेफ्ट पैर वाला, यानी हम इधर से हमारे दाहिने हाथ से लेंगे इधर वाले पैर का, लेफ्ट पैर का सिंदूर लेके माने पे तिलक लगाना है और घर चले आना है। और जब एग्जाम आएगा ना, जब एग्जाम आएगा, एग्जाम में परीक्षा हॉल में आप बैठेंगे तो बस हनुमान जी के मंत्रों का जाप करके, और अगर आपको हनुमान चालीसा आती हो तो पढ़ डालिए, और नहीं तो श्री राम दूताय हनुमते नमः, संकट मोचन हनुमान जी की जय बोल करके प्रश्न पत्र खोलिए, देखिएगा सब प्रश्न पत्र आपको आसानी से पता लग जाएगा कि तो बड़ा आसान है, मैं पूरा कर जाऊंगा, अच्छे नंबर ले आऊंगा। और जब परीक्षा हो जाए
परीक्षा का रिजल्ट आ जाए तो हनुमान जी को मंगलवार जाकर के चोला चढ़ा के आना है। चोला में क्या होता है पता है ना, ऑरेंज कलर का सिंदूर, घी, जनेऊ, लड्डू हनुमान जी को लगा करके और चांदी का बर्क चिपका करके पंडित जी को देंगे तो हनुमान जी को चोला चढ़ा देंगे। एक दिन पहले चढ़ाया जाता है, मैंने एक दिन पहले दे के आएंगे यानी सोमवार को शाम को दे के आएंगे तो मंगलवार को चढ़ा देंगे पंडित जी। चोला जरूर चढ़ाना, लड्डू का भोग जरूर लगा के आना, हम हनुमान जी को धन्यवाद दे के आना कि मेरी परीक्षा अच्छी हो गई, आपकी वजह से रिजल्ट अच्छे आ गए। तो ये अनोखा प्रयोग आपको करना है, 100% आपको सफलता मिलेगी, 100%। हाँ, अगर मान लीजिए आपका गुरु कमज़ोर हो, अगर कुंडली भी दिखानी पड़ेगी, अगर गुरु कमज़ोर हो तो नंबर अच्छे नहीं आएंगे। तो गुरुवार के दिन 8 गुरुवार केले के पेड़ पे जल चढ़ा के गुड़ का दान मंदिर में करके आइए, ठीक हो जाएगा। और हल्दी का तिलक लगाते रहिए, इस तरह से 100% सफलता आपको परीक्षा में मिलेगी, चाहे किसी तरह की परीक्षा हो। आप कर लेना, आप बोल देना बजरंग बली की जय, नमस्कार, राम राम। देख बिना ब्रेक डाउनलोड टक ऐप।